अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइकोस्टोमुलारी फैमिली में नेमेटोडायरिस। नेमेटोडायरिस जो होता है वो नेमेटोडायरिस जेनरा इसमें प्रेजेंट है होस्ट इसके रूमिनेंट्स हैं। होस्ट क्या है? रूमिनेंट्स। नेमेटोडायरिस जो होता है वो रूमिनेंट्स में होता है। रूमिनेंट्स में कहाँ होता है? इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। रूमिनेंट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है नेमेटोडायरिस। इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो नेमेटोडायरिस बैटस, नेमेटोडायरिस फिलिकोलिस, पैथिकर एंड हेलविटियनस। ठीक है, नेमेटोडायरिस बैटस होती है वो शीप और काव्स में होती है। ठीक है, नेमेटोडायरिस फिलिकोलिस जो होती है वो शीप गोट में होती है। स्पैथिकर जो होती है शीप गोट और कैटल में होती है। और नेमेटोडायरिस जो हेलविटियनस है वो कैटल में होती है। यानी सारी की सारी रूमिनेंट्स में प्रेजेंट है। फिर इनके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सिलेंडर वॉर्म्स होते हैं, 2 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है थिन ट्विस्टेड वॉर्म्स होते हैं। थिन ट्विस्टेड वॉर्म्स की इंटरविनिंग से इनकी बॉडी जो होती है वो कॉटन वूल लाइक अपेरेंस दे रही होती है। ये क्या होते हैं? थिन ट्विस्टेड वॉर्म्स होते हैं जिनकी इंटरविनिंग हुई होती है, जिसकी वजह से इसकी अपेरेंस होती है वो कॉटन वूल अपेरेंस होती है। फिर इनके अंदर अगर माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो फिर इनके अंदर एक सेफेलिक वेसिकल भी है। सेफेलिक वेसिकल क्या होता है कि एंटीरियर एंड पे जो क्यूटिकल है वो इन्फ्लेटेड होती है, जिसे हम कहते हैं कि सेफेलिक वेसिकल है। ठीक है, सेफेलिक वेसिकल भी होगा। फिर इनके अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं वो लॉन्ग है, सिलेंडर है, और स्पिक्यूल्स की फ्यूज टिप्स है। स्पिक्यूल्स की क्या है? फ्यूज टिप्स है। सारे मेल्स में जो है वो 2 सेट ऑफ पैरेलल रेज होती है। इन ऑल मेल्स 2 सेट ऑफ पैरेलल रेज। पैरेलल रेज जो होती हैं 2 सेट ऑफ पैरेलल रेज होती हैं। ठीक है, इन ईस्ट बर्सलोब के अंदर क्या होती है? 2 सेट ऑफ पैरेलल रेज होती हैं मेल्स के अंदर। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है कि ट्रंकेट टेल होती है जिसकी स्मॉल स्पाइन भी होती है। फीमेल के अंदर ट्रंकेट टेल होगी विद स्मॉल स्पाइन, और मेल्स के अंदर क्या होगा? 2 सेट ऑफ पैरेलल रेज होंगी हर बर्सलोब में। ठीक है, और एग जो होगा वो लार्ज अवॉइड और कलरलेस होगा। ये नेमेटोडायरिस की तमाम स्पीशीज़ में ऐसे ही होता है। नेमेटोडायरिस बैटस की जो है एक्सेप्शन है, उसका एक्सेप्शनल केस नीचे देखते हैं। ऑल मेल्स में क्या है? 2 सेट ऑफ पैरेलल रेज है हर पर्सन लोग में। फीमेल के अंदर ट्रंकेट टेल हो गई, स्मॉल स्पाइन, एग लार्ज हो गया, अवॉइड हो गया और कलरलेस हो गया। अब नेमेटोडायरिस बैटस की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 1 सेट है पैरेलल रेज का, यानी बाकी सब के अंदर 2 सेट है पैरेलल रेज के। नेमेटोडायरिस बैटस के अंदर 1 सेट है पैरेलल रेज का। फिर फीमेल के अंदर वहाँ पर ट्रंकेट टेल है बाकी सब में, और नेमेटोडायरिस बैटस के अंदर जो है वो लॉन्ग पॉइंटेड टेल है। नेमेटोडायरिस बैटस का फिर जो एग है वो लार्ज है, ब्राउनिश है और पैरेलल साइड्स है। बाकी सब के अंदर क्या था? एग लार्ज था, अवॉइड था और कलरलेस था। लेकिन नेमेटोडायरिस बैटस के केस में लार्ज होगा, ब्राउनिश होगा और उसकी पैरेलल साइड्स होंगी, अवॉइड नहीं होगा। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल टिपिकल जो ट्राइकोस्टोमुलारी फैमिली का वो है वही है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वो क्या कि L3 जो होगी वो एक्शेल के अंदर ही डेवलप करेगी। L3 विल डेवलप विद इन द एक्शेल, और इसकी जो L3 की डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्लोअर प्रोसेस है। ठीक है, और टेम्परेट एरियाज में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट होता है L3 की डेवलपमेंट का प्रोसेस विद इन द एक्शेल। और नेमेटोडायरिस बैटस के केस में जो हैचिंग है, इसके लिए हैचिंग के लिए क्या है? प्रोलॉन्ग चिल पीरियड चाहिए। प्रोलॉन्ग चिल पीरियड के बाद क्या होता है कि फिर जो मतलब टेम्परेचर चाहिए वो क्या है कि मीन डे और नाइट का टेम्परेचर होता है वो मोर देन 10 डिग्री से ही होना चाहिए नेमेटोडायरिस बैटस के हैचिंग के लिए। पहले प्रोलॉन्ग चिल पीरियड हो गया, फिर मीन डे एंड नाइट का टेम्परेचर मोर देन 10 डिग्री से होना चाहिए। इसके बाद इसका माइग्रेटरी नॉन माइग्रेटरी लाइफ साइकिल है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्री पेटेंट पीरियड है वो 15 डेज है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर जो क्लिनिकल साइन है वो मेन क्लिनिकल साइन जो है हमारे पास वो क्या है? डायरिया का। ठीक है, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होता है इन केस ऑफ नेमेटोडायरिस।